सोनाली तेरा मन नहीं लग रहा? वापिस इंडिया जाएगी? कैसा लग रहा तेरे को इधर आके? वापिस जाना है? कितना की टिकट करवा आई थी, कितने रो पिट आई थी, उल्टी जाओगी? पर सोनाली को न्यूजीलैंड में आते ही दूसरे दिन गुल्लू से मिलने का मौका मिला है। वही मैं कितनी लकी हूं, आज तक मेरे को लगता मेरी किस्मत के चार टू को रखे। एक बार ये बहुत लॉजिकल चीज है। ये दोनों भी मेरे से हल्के हल्के मोटे, और मेरे को देखो ऐसे पतली बनाई है मेरे को शेप में, और बाल देख ले। अच्छे व्यू में आके किसका मन नहीं लगेगा? हां बेटा हां मैं अच्छी, मेरे आसपास वाले भी अच्छे। आते ही सोनाली को बच्चा पकड़ा दिया गया है संभालने के लिए। मैं आप लिया है मैंने। ये इसको तरबूज खिला रही है बेचारी, खाई नहीं अभी। आप ये कह रहे हैं मैं खुद एडवांस कर दूंगी, मैं खुद आऊंगी। देखिए देखिए इसको, आज तो परेशान है। दिल्ली जाना, प्रकाश जाना है ना, संडे है ना, इतना बड़ी फोक देखा है, देखा है और जो करा है। देखिए कि किस डाल देखने लग दिए। नहीं स्कैन कराया तने कीची रोशन, ये देख रहे हमारे पीछे से हमारे घर में कौन बैठ गया हो? सोनाली राठी ये है हमारे घर की मालकिन। जैसे वो दिल्ली में पीजी वाली आंटियां नहीं होती है वैसी है एकदम। अगर तूने रूम की लाइट ऑन रख ली ना 5 मिनट भी, तो भी ऐसे सर पे चढ़ जाएगी। अगर तूने 5 मिनट एक्स्ट्रा बाथरूम में लगा दिए ना, बस उसी टाइम तेरे बाहर निकलते ही $20 कैश लेगी। हो गया ना, जब कितने लेंगे? आइडिया दे रही है मेरे को क्या? आइडिया दे रही हूँ मैं, फिर आधा हिस्सा मैं भी लूंगी। ओ शेट, चल 10 मिनट के $40। बीस मेरे। रुशल काशु सी सोनाली दीदी। तो भाई सोनाली का आज फर्स्ट डे है और इसने करी गोलगप्पों की रिक्वेस्ट, तो गोलगप्पे बनाए चलिए स्पेशल, घर पे बनाए हैं वो भी बहुत बहुत। हाँ वो नहीं है। सो गाइस सोनाली के उसमें अपना नाम कवर कर दिया इसने। देख ले इंडिया आता है आग लगन तन गोल गप्पे खाने मिले, वरना लोग आ रहे हैं 6-6 महीने नहीं बिना मेरा पाटा पूरा गोल गप्पे भी हुआ है। जब बताई हूं मैं, मैंने भी ऐसा प्रीतिका आ रहा है, दिक्कत नहीं होनी कोई, बस अपने छत्तर छाए में रहेगी ऐसे ही खुश रहेगी। बता किसे लागे रिव्यू दे सामने घर की बैठी है, इसने बनाए हैं पेंटी है रिव्यू देगी। एक गोल गप्पा था फूला नहीं था, वो पकड़ा है सही। आप सही कह रहे थे कि ठंड होने के बाद हींग का मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा, वो चला गया सच्चे में। अच्छा मैं खा रही हूं, और क्लियर कोई बात दो, ये तो एकदम गोल है। वह आटे टड्डे कैसे मतलब नहीं बहन, मैंने गोल गोल काटे आटे की रोटी बनाते पता नहीं। हाँ और उसको गोल आटे के लिए वो ऐसे भी सूजी डाल के बनते हैं, उसमें आटे में प्लेन आटे में भी ना बनते। तो भाई ये हरा पानी बनाया था हमारे गार्डन के धनिया से। ओह यस ऑर्गेनिक है ये, तो तुमने पानी दिया था। ऑर्गेनिक अपने इसके बगीचे, वो धनिया धनिया सोनाली राठी काट के लेके आई थी, तो इसका भी योगदान है थोड़ा सा। मेरी मम्मी का बात थी कहने तो कि माता ना बैठी बैठी खावेगी तू, तने बनाना बनाना तो आवे ना, कि मैं बोली ना कुछ काम कर तने भी करा के ना सुबह ते, मैं कहा करा था, बोली के करा था, रोटी रोटी सेकी थी मतलब वो थी बेली थी, फिर बोली फिर सेक करने के झटके लग गए थे, सेकी किसने फिर बेल बेल के दर्दी, मैं कहना पर इतनी सेक दी साथ साथ, बोला ओहो घर में और भी काम है गणे एक आधे के कर लिया, बोली यहाँ दौर के काम कुम करवा लिया था। इनको टास्क दिया गया है कि सोनाली आई है और तुम्हें इसके ऊपर राइटिंग लिखनी है, और मैंने लिखी अभी फॉर नाउ आई रोट लास्ट वीक सोनाली दीदी केम फ्रॉम इंडियन संडे वी वेंट रंगा बिकॉज़ वी वांट टू सेट नमोस इज लॉर्ड फुल स्टॉप। ओह यू नीड टू राइट अबाउट हर एज वेल लाइक हाउ शी लुक्स एंड ऑल। Yeah, write it. थोड़ा लंबा कंटेंट चाहिए ना हमें। पेशेंट्स तो है को।
वही तो नहीं है। और आपने क्या लिखा है बताओ, बताओ क्या लिखा है, ये टाइम पास होता है ले ले के करना बस। बता क्या लिखा है, कब ये वीडियो अपलोड होगी देखिए। काशु क्या लिखा है, राइटिंग दिख रही है, दैट्स ओके। काशु बताओ क्या लिखा है, इसकी शक्ल देखो और लिखो इसके बारे में कि कितनी रोटियां खा जाती है, सब लिखना है कितनी रोटियां खा, कितने गोलगप्पे खाए और कितनी। हाँ एक मिनट गाइस, सकाशी ने लिखी है, ओके, सोनाली दीदी केम फ्रॉम इंडिया, ओके एंड देन इट्स अ वी ए वाई एंड देन इज इन यूनिफॉर्म। No. क्या लिखा है बाकी का और आगे का क्या लिखा है, थोड़ा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ तो अभी आगे का बताइए क्या, अरे इसने तो फोटो भी बना दी, ये है क्या सोनाली दीदी। हाँ ये मैं, ये कश्मीर। ओके तो बताओ, इसने बनाई भी सही है, देख खुद दोनों थोड़ी ही सी मोटी हैं। कोई नेम की बनाई है इन्हें, आपकी ड्रेस इतनी सोनाली दीदी वेयर्स ग्लासेस व्हेन शी स्टडीज, शी ईट्स फोर रोटीज विद Sabri and now she is a golu molu. भाई चार रोटी खाई है, तेरा लग दिया है। आज तो मैंने तीन खाई है, कल मैंने तीन खाई थी, पर हाँ यो ये लाइन लास्ट वाली मैंने बढ़िया लगी, नाउ शी इज गोलू मोलू। गोलू मोलू तो कौन है, तेरे मुंह में भर भर के चॉकलेट आइसक्रीम, ऐसा सच हो गई है बस। और आप जब रोटी खा रहे हो कल से मैं चार ही खाऊंगी, और बाल देख रही है तेरे लंबे बनाए, खुद के थोड़े थोड़े छोटे, इनके जितने ही है वैसे मेरे, मतलब बराबर से ही है। वेरी नाइस, गुड जॉब। छानी छोड़ी है तो प्रीति दीदी क्राइम गंगे, देखना कितनी इसकी बाल इतनी मोटी लंबा, ठीक है मेरे लंबी लिखो मेरे बारे में भी। अरे बाप रे कल तो लिखूंगी, कल लिखेगी आज नहीं लिखेगी, आज का इतना ही कंटेंट देना उसको, ठीक है। हाँ बताओ काशु आपने क्या क्या ड्राइंग बनाई है, कौन कौन है ये, ये दीदू है, ये मैं, ये प्रीति दीदी, ये आप, ये मैं हूँ। और प्रीति दीदी का तो टांगों से नीचे बाल है, प्रीति दीदी तो भाई सोनाली ने हम शाम ने आसपास की चीज दिखाने लिखा है, बता सोनाली कैसा फील हो रहा है न्यूजीलैंड आकर, दिखाओ हमारे आसपास का एरिया, मजा आ रहा है पूरे हो रहे हैं लोग नु क्या कर रहे हैं, हम मतलब हमने शिफ्ट करा, मतलब जो स्टूडेंट है दूसरी कंट्री में, मैंने लोग लोग देखे उनके भाई रोया कर रहे हैं, ग्रोसरी लानी ना सब क्या घर में बैठे बैठे सब क्या मिलने लग रहा है, ना रोटी बनानी, दीदी क्या बोल रहे हो आप, बस मैं ये कह रही थी, मैंने कहा बेटा तू आई, मैं घर जैसा सा लग रहा होगा ना, ना लग रहा हो तो लगा देंगे, सुबह शाम डायलॉग सुनाएंगे, लग रहा है कितनी, इतने अच्छे व्यू में आके किसका मन नहीं लगेगा। हाँ बेटा हाँ मैं अच्छी, मेरे आसपास वाले भी अच्छे,
भाई रात के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 10, 9:30 तो ऊपर हो गए। के बढ़िया वेदर हो रहा है, मतलब सूरज छपन लग रहा है। दीदू तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। दीदू आगे भाग गए। ओ तेरे बाप रे, अंधेरे में घूम रही थी। हे गाइस, तो भाई हम सोनाली को लेके जा रहे हैं केडी के घर पे। आज उन्होंने सोनाली को अपॉइंटमेंट दी है मिलने के लिए, तो हम उसके घर पे लेके जा रहे हैं। और सीट बेल्ट, पिछली सीट पे सीट बेल्ट लगा कैसा लग रहा है? $100 अपने अपने इंडिया में तो मां के बैठ के भी ना लगाया करते, पीछे बैठ के लगा ली मैंने पहले। मैं कहा $200 है तो बेच सकते, मैं तो लगा है ना यार, गरीब हूँ मैं तो लत्ते को नहीं रखी, तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो पहले सोनाली का बैंक वैंक का काम करना है, वहाँ पे लेके जाएंगे, एक दो काम है इसके, और उसके बाद हम जाएंगे केडी के घर पे। तो भाई मैं लेके जा रही हूँ सोनाली को, उसका अकाउंट खुलवाना है, मतलब अकाउंट के लिए ANZ में, बैंक। हाँ बैंक में, विदेशी बैंक में अकाउंट है मेरा। ओ भाई तो इसको लेके जा रहे हैं, फिर इसका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये अमीर लड़की हो जाएगी, सारे एकदम ना, फिर ये पार्टी देगी न्यूजीलैंड आने की। हाँ, फिर तो दे दो, जितने तो आए जाएंगे पार्टी जोगे तो वही इसका बैंक का काम तो कल की अपॉइंटमेंट मिली है 3:30 की। और मैं इस तरह बताऊ हूँ, आकुरे को स्माइल स्मूल कर तेरे का न्यू कान स्माइल कर दिया, आए वाए कर दिए, बेसिक चीजें सिखा रही है पिछली चैनल, कदे न्यू कहने होए वो मेरे को नहीं देख क्योंकि को आशा कदे वो कसर हो जाओ ने पूरे लोग ने बिना जान पहचान के स्माइल स्मूल आए हुए करके चले जा, पर मैं इग्नोर कर देती है ऐसा था। तो कल फिर से आएंगे, टीचिंग मी टुडे, रुकिए देख के। ये कैसे आई है? ये देखो भाई सोनाली की इतनी खातिरदारी हो रही है, इम्पोर्टेंट लोगों की होती है। जेडी वो सॉस भी ले आता ना, तुमने बताया नहीं कि वीडियो बनेगी, मैं तो फिर काजू बादाम भी ला के रखता नहीं नहीं वो उसके सेब जाएंगे, उसका शरीर देख रहा है, हजम नहीं होंगे, दस्त वस्त लग जाएंगे और वजन कम हो जाएगा फिर मेरा। मैं नेताओं जी के घर सोई थी तो मेरी मम्मी ने, मैंने ना मेरी मम्मी को कॉल करके बताया, मैं मम्मी ऐसे ऐसे ना मतलब मेरा वीजा आ गया, तो मेरी मम्मी मेरी मम्मी उस टाइम पे तो ऐसे बोली कि ठीक है सो जा, 3:00 हो गया मतलब रात के, तो मैंने बोला हाँ मैंने पापा को कॉल नहीं किया क्योंकि भाई रात को उठेंगे परेशान जाएंगे, तो मेरी मम्मी बोली ठीक है। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बताया कि उसके मेरे पापा उठ के वहाँ आ गए जहाँ पे मतलब मैं सोई थी मेरे ताऊ जी के घर। तो जैसे मेरे पापा घर से निकले, मेरी मम्मी फोन करके, सुन तूने सपना तो नहीं देखा ना, सपने में तेरे पापा घर आ रहे हैं बता दे मुझे। मैं कहा मम्मी सपना कहती नहीं नहीं तू ऐसी है, तूने सपना देख लिया होगा कभी, सपने में बैंड रही हो तू, मेरे को फोन सपने में तो नहीं कर दिया। मैं कहा मम्मी पूरे होश आवाज में कराया मैंने फोन, चिंता मत करो आ गया। मम्मी कहती अच्छा ठीक है। फिर मेरी मम्मी को यकीन हुआ कि आ गया, मेरी मम्मी को ऐसे ही लगता है कि मैं पूरी बोल दूँ। तो गाइस सोनाली के आने की खुशी में गुल्लू ने इतने पकवान बनाए हैं। यस yes, मैंने अकेले नहीं किया है गाइस ये सब कुछ, ओनली फॉर यू सोनाली, थैंक यू सो मच। और सोनाली तू आते ही दूसरे दिन तेरे को गुल्लू के हाथ का खाने का मौका मिल रहा है और इससे मिलने का मौका मिल रहा है, इतनी भाग्यवान तू सच। नहीं मैं सीरियस नोट पे बोल रही हूँ, सीरियस नोट पे बोल रही हूँ, लकीरों पे गरा हो गया आज, फील कर रही हूँ बहुत ज्यादा। हाँ अब इस करना भी चाहिए, में तुझे भी मिलेगा बैठो खाओ मुझे नहीं मिलता तो भी जबरदस्ती आ जाती मैं तो पर सोनाली को न्यूजीलैंड में आते ही दूसरे दिन गुल्लू से मिलने का मौका मिला है, तो मैं कितनी लकी हूँ, आज तक मेरे को लगता मेरी किस्मत के 4 2 हो रखे और आज मेरे को पता चल गया भाई बहुत लकी हूँ मैं बहुत। सोनाली राठी को हाउस टूर दिया जा रहा है, देखो गाइस इनके बेडरूम से ये व्यू दिखता है पूरा स्काई टावर। ओह वाओ, तो हम ये